हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फ्रैक्शंस का नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो आप जैसे जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें न्यूमरेटर छोटा होता है, जैसे 3/5, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, जैसे ये बनेगा 5 2/3, 3 से डिवाइड करेंगे 5 2/3। तो अभी हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 3/2 चॉकलेट देता हूँ खाने के लिए, तो 3/2 क्या होता है आपको मालूम है? 3/2 का मतलब होता है 1 1/2। कैसे निकला? 3 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 1 बचा, 1 होल नंबर है, 1/2 फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या होता है? 1 + 1/2, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। कैसे ऐड करते हैं? 2 डिनोमिनेटर बन गया, 2 1 2 + 1 = 3/2। ठीक है, तो 3/2 का मतलब है 1 1/2, दैट मीन्स 1 + 1/2। तो इसका मतलब है, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको ये दूंगा, तो मैं आपको बेसिकली एक पूरा चॉकलेट दे रहा हूँ और दूसरे चॉकलेट बराबर साइज का है उसका हाफ दे रहा हूं। ये पूरा चॉकलेट हो गया, ये 1, ये इस चॉकलेट का हाफ हो गया, तो ये हो गया 3/2। लेकिन मैं फिर कहता हूं, नो, आई विल गिव यू 1/2 of 3/2 चॉकलेट, जो मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको 3/2 दूंगा, दैट मीन्स 1 + 1/2 चॉकलेट। अब मैं कहता हूं नहीं, मैं इसका आपको आधा दूंगा। ठीक है, तो अब आपको क्या मिलेगा? इसका मतलब है, अगर इसको हम ऐसे हाफ कर दें तो ये आपको मिलेगा और इसका हाफ मिलेगा, ये मिलेगा। ये 1 का हाफ और ये 1/2 का हाफ। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे हम दर्शाएंगे, अब ये समझना है हमने, फ्रैक्शन में इसको कैसे दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको ना 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या मिल रहा था? 1 1/2, मतलब इसके 4 पीस मिल रहे थे, इसके 2 पीस मिल रहे थे। ये एक चॉकलेट है, इसके मैंने 4 पीस कर दिए। अगर मैं आपको पूरा चॉकलेट देता तो आपके इसको 4 पीस देता, और ये इसके 4 पीस हैं, हाफ देता तो 2 पीस देता, तो आपको ये 6 पीस मिलते। अभी आपको मिल रहे हाफ, तो मतलब 6 का आपको मिल रहे 3 पीस, तो 1 पीस ये आपको मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिला, ये हो गया 1/2 of 3/2। जो इसको 3/2 को हिंदी में डेढ़ भी कहते हैं हम लोग, 1 1/2, डेढ़। तो जो डेढ़ चॉकलेट या 1 1/2 चॉकलेट देना था, अगर मैं उसका आधा दे रहा हूँ, जो मैंने आपको देना था उसका आधा दे रहा हूँ, तो मैं आपको बेसिकली, पहले आपको देने थे 6 पीस, अब 6 की जगह 3 दे रहा हूँ। तो अभी आपको मिला कितना? आपको मिले 4 में से 3। समझ आ रहा है? 2 स्टेप में समझते हैं इसको। पहले मैंने आपको बोला था आपको दूंगा 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1 फुल चॉकलेट, होल नंबर है, और 1/2 चॉकलेट, फुल एंड हाफ, ये मिलना था। फिर मैंने अपना विचार बदल दिया, मैंने कहा मैं इसका आधा दूंगा, इसका हाफ दूंगा, 1/2 of this। तो ये 1/2 कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया, इस चॉकलेट के 8 पीसेस बना लिए। तो पहले आपको 6 पीस मिलने थे, 1 2 3 4, ये पूरा चॉकलेट हो गया, और आधे के लिए 2 पीस मिलने थे।
अब आपको 6 की जगह 3 मिलेंगे, 2 ये 1 ये, तो ये वाला एक मैंने यहाँ शो कर दिया, 1, 2, 3 पीस मिले, किसमें से 4 में से, तो आपको मिला 3/4 ऑफ 1 चॉकलेट। तो 1/2 ऑफ 3/2 होता है 3/4 ऑफ 1 चॉकलेट। तो इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, सिंपल है, 1/2 ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 1/2 इनटू, ऑफ का मतलब होता है इनटू 3/2। तो अब क्या करना है, हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है 3 × 1 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो बन गया 3/4, वही आंसर जो हमने डायग्राम से देखा था। ठीक से 3/4, तो ये आपको मिला 3/4 ऑफ 1 चॉकलेट, पूरे चॉकलेट का आपको 3/4 भाग मिला, 3/4। तो अदरवाइज इनको भी मल्टीप्लाई करना है तो तरीका वही है, कोई भी फ्रैक्शन है आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने डायग्राम से समझाया था ताकि आप विजुलाइज करें, आप देख पाएं कि होता क्या है फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना। तो अदरवाइज आप मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 1/5 × 7/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/15। कैसे हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ 1/4 × 2 × 1/4, तो ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, तो पहले क्या करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे, 4 × 4 = 5/4, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 × 1/4 से, 4 × 8 + 1 = 9/4। तो अब 9 और 5 को मल्टीप्लाई किया 45, 4 को 4 से किया 16, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हो, कैसे, 45 को 16 से डिवाइड करोगे, 16 × 2 = 32, तो ये रिमाइंडर हो गया, तो आंसर हो गया 2 13/16, 2 होल नंबर है और 13 रिमाइंडर है। तो इस प्रकार आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपने तीनों चीज़ें सीख ली, होल नंबर से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना, प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, प्रॉपर को इम्प्रॉपर से करना, सबका तरीका सेम है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, अब समझेंगे कैसे। अभी सभी 2-3 सम करके देख लेते हैं, जैसे 2 × 1/7, तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 7 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। 3/2 × 5/7, तो 5 × 3 = 15, 7 × 2 = 14, इसको आप कर सकते हो 1 × 1/14, ये करके आप देख सकते हैं, ठीक है नहीं? या जैसे वो हमने किया था मिक्स्ड फ्रैक्शन से किया था, 1 × 3 × 3 = 5, तो दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको हम पहले चेंज कर लेंगे, कैसे करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, 3 × 1 = 3 + 1 = 4, 4/3, 5 × 3 = 15, 15 + 1 = 16, 16/5, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16/4 = 64, 5 × 3 = 15, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, 15 × 4 = 60, 4 बचेगा 15, तो ये सारा आपका मल्टीप्लिकेशन के जितने भी पार्ट्स थे हमने कवर कर लिए। तो अगले टॉपिक में हम डिवीजन सीखेंगे कि हम फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।